उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद। चिंदौलिया नहीं, नहीं नहीं, उदित राज चिंदौलिया। कांग्रेस, कांग्रेस उदित राज, उदित राज कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस उदित राज, उदित राज, उदित राज चिंदौलिया, उदित राज, उदित राज, उदित राज, उदित राज चिंदौलिया नहीं, उदित राज जिंदाबाद, चुनाव जीतेंगे उदित राज। चिंदौलिया नहीं, चिंदौलिया नहीं, उदित राज, उदित राज जी। चूल्हा जलाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि क्या बताए, सिलेंडर और चूल्हा दे के बैठ गए, गैस महंगा कर दिया है। इस बार माहौल इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम बीजेपी खत्म, निराश है बीजेपी से, बिल्कुल निराश है सर। क्या कारण है? कारण बीजेपी का सब कुछ झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं। मोदी रहे नहीं, अब मोदी अब हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहे। इस वर्ष के अंतराल में नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का जो शिकार जो दिल्ली का समाज हो रहा है, तो अब की बार उन्होंने तय कर लिया है कि वो मोदी की विदाई का वक्त आ गया है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार, मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बवाना के झंडा चौक के नज़दीक बाबुल चाय वाले के पास हैं। चूँकि मोदी जी भी कहते हैं कि मैं भी चाय वाला था, तमाम कई सवाल हैं कि चाय का माहौल जो होता है उस पर ही राजनीति शुरू हो जाती है, और क्या अच्छा चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है, इस तरह की भी बातें देखने को मिलती है। तो फिलहाल हम बाबुल जी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल हम लोग अच्छे सोच रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को दिया जाएगा 100 वोट, सब मिल के हम लोग एकजुट है, इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा नाम है बाबुल शेख, लेकिन दुकान का नाम पूरा जाए तो बाबुल आरसीएम टी स्टॉल, बवाना जे कॉलोनी, झंडा चौक, दिल्ली 39 में हूँ। चाय, चाय जब चलता है तो कई तरह की चर्चाएं चलती है, तो क्या राजनीति की चर्चा यहाँ से यहाँ चलती है? सब नेतागिरी होता है, हमारे विधायक आता है, नेता लोग भी आता है, यानी मुंबई से हमारा राजगब्बर भी आके यहाँ चाय पी गया, भवन सुरेंद्र MLA जितने भी नेता लोग सब यहाँ आते हैं, पंच में आता है, हमारे यहाँ चाय पी के जाता है, सब पसंद करता है। क्या माहौल, क्या लग रहा है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है, क्या होती है? माहौल बहुत अच्छा है, इस बार वोट जाएगा हमारा कांग्रेस के ऊपर जाता जाएगा, कांग्रेस के ऊपर। हाँ, बहुत जाएगा, बीजेपी पे नहीं, बीजेपी में नहीं जाएगी ये हमारा। मोदी जी भी तो कहते हैं चाय वाले हम भी। हाँ, तो मोदी चाय वाला, बाबुल चाय वाला, वो मोदी जीतेगा चाय वाला, मोदी चाय वाले का सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम बाबुल चाय वाले का सपोर्ट करेंगे, बाबुना जे कोहली का सपोर्ट करेंगे, अपने इलाके में सपोर्ट करेंगे। देखिए, तमाम कई लोग है, दरअसल ये जो चौराहा है ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तमाम कई लोग है, हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस तरीके से उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीटें में आप देख रहे होंगे जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, शुरू आप ही से करते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, तो दिल्ली में जो यहाँ का जो आवाम है, 10 वर्ष से जो पीड़ाएं, जो कष्ट जो भोग रहा है, 10 वर्ष के अंतराल में नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का जो शिकार जो दिल्ली का समाज हो रहा है, तो अब की बार उन्होंने तय कर लिया है कि वो मोदी की विदाई का वक्त आ गया है। ये मई का महीना चल रहा है, तो ये मानिए कि 25 मई को दिल्ली से जो है मोदी की सरकार गई, तो यहाँ पर 7 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वो पहचान गए हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। आज नरेंद्र मोदी को आवश्यकता ऐसी क्या पड़ी कि जो गारंटी दे रहा है, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली गारंटी दी थी, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली गारंटी दी थी कि हम इस देश के लोगों को 14 लाख रुपए देंगे, तो वो उनकी गारंटी, वो गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरी गारंटी उन्होंने ये दी थी कि हम 400 लाख करोड़ का जो काला धन था उसको वापस लाएंगे, तो उस काले धन को धरती खा गई कि आसमान खा गया, तो वो उनका झूठ बोल गया। तीसरी, उन्होंने कहा कि 2022 तक गरीबों के पक्के मकान होंगे, तो 2022 की जगह 24 चल रहा है, गरीब के मकान नहीं बने। चौथा झूठ उन्होंने बोला कि हम किसान की आमदनी को दूना कर देंगे, 2022 निकल गया, 24 चल रहा है, तो किसान की आमदनी दूनी नहीं हुई, ये उन्होंने चौथा झूठ बोला। उन्होंने जब 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो इनका 5वां झूठ था। यानी मोदी झूठ बोलने का काम करता है, मोदी समाज में क्या लग रहा है इस बार, क्या किचन में महंगाई पहुंची है? चूल्हा जलाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि क्या बताए, सिलेंडर और चूल्हा दे के बैठ गए, गैस महंगा कर दिया है, गैस महंगा कर दिया, 800 रुपया हो गया गैस का भी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार माहौल इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम घर घर गोली गोली जाते हूँ, CPM पार्टी से हूँ, राज कमेटी के मेंबर हूँ, मेरा नाम फरीदा, गली गली मीटिंग कर रहा है, घर घर लोगों को समझा रहा है। क्या लग रहा है माहौल? बिल्कुल सर, गठबंधन, गठबंधन बीजेपी नहीं, बीजेपी खत्म, निराश है बीजेपी से, बिल्कुल निराश है सर। क्या कारण है?
कारण बीजेपी का सब कुछ झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं, सारा झूठा है। क्या लग रहा है इस बार? आजकल वोट नहीं दिख रहे बाबा रामदेव जी, वो भी गारंटी दे रहे थे, बोले कौन सी सरकार चाहिए, 35 रुपए लीटर पेट्रोल वाली या 100 रुपए वाली। और उन्हीं से जब बाद में इलेक्शन के बाद में जब उनसे पूछा गया, मैं शायद कोई एक देख रहा था, किसी पत्रकार ने पूछा था उनसे, बोले साहब आपने क्या हुआ, आप तो कह रहे थे 35 रुपए हो जाएगा तेल, बोला कही थी इफ तू पूछ पाड़ ले, तो इस तरीके की बातें करने लगे थे, इस तरीके की बातें। बताइए कांग्रेस से हैं आपके डॉक्टर उदित राज और बीजेपी से चंदोलिया, उदित राज या चंदोलिया? उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद। चंदोलिया नहीं, नहीं नहीं, उदित राज या चंदोलिया? कांग्रेस। कांग्रेस उदित राज, उदित राज या चंदोलिया? कांग्रेस। कांग्रेस उदित राज, उदित राज, उदित राज चंदोलिया? उदित राज, उदित राज, उदित राज, उदित राज चंदोलिया नहीं, उदित राज जिंदाबाद, चुनाव जीतेंगे उदित राज। चंदोलिया नहीं, चंदोलिया नहीं, उदित राज, उदित राज जी, उदित राज, उदित राज, उदित राज। क्या कह रहे हैं? उदित राज, मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, मोदी जी में नहीं। क्या कह रहे हैं? मोदी रहे नहीं, अब मोदी अब हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहे, मोदी पल्स हिंदुस्तान से विदेशियों में, विदेश में ज्यादा यात्रा है, तो उनको बोलो वो वही बेटर है रहे और हम यहाँ ठीक है। उदित राज, उदित राज, उदित राज, ओनली वन उदित राज, ठीक है और कुछ नहीं, मोदी ठीक है। क्या लग रहा है मोदी यानी योगेंद्र चंदोलिया या फिर डॉक्टर उदित राज? डॉक्टर उदित राज जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीत करके जाएंगे और चंदोलिया की तो विदाई हो जाएगी, या मोदी जी की तो जाएंगे जी। चंदोलिया की विदाई कर रहे हैं? बिल्कुल विदाई हो जाएंगे, उदित राज 5 लाख वोट बिल्कुल लिखी हुई है और निकलेंगे 5 लाख वोट से, और ये भाजपा तो समेट करके रह जाएंगे 150 में, और कुछ नहीं मिलने का। क्या इस बार गठबंधन रोक पाएगी बीजेपी को? सर गठबंधन ही जनता रोकेगी, जनता ही ट्रस्ट है, जनता परेशान है, गठबंधन तो जनता के लिए। आपने कहावत सुना होगा, एक गांव में कुत्ता पागल होता है ना, तो पूरे गांव मिलकर उस कुत्ते का इलाज करता है ताकि कुत्ता दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। हमारा मोदी जी उस कुत्ते से भी बड़ा पागल हो गया है, तो पूरे देश मिलकर गठबंधन बनाया और जनता उसको रोकेगी। जनता ऐसा भागेगी कि झोला लेके भी भाग नहीं पाएगा, वो झोला की भी तलाशी होगी, झोले की भी तलाशी होगी, क्योंकि झोले में भी वो अडानी अंबानी के लिए कुछ लेके जाने की तैयारी में होगा, इसलिए झोले की भी तलाशी होगी और हिसाब दे के जाएगा। और ये दोनों बागर बिल्ला जेल में जाएंगे, इतिहास का पहला प्रधानमंत्री होगा, मैं पूरे देश के सामने कह रहा हूँ कि जेल में जाएगा, पहला प्रधानमंत्री देश का होगा जो जेल में जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतना घोटाला किया है ना कि इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए बवाना का ये झंडा चौक है जहां से हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग मुद्दे पर बात की। दरअसल आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, ऐसी तमाम राजनीतिक एंगल को खबरों से देखने के लिए देखते रहिए वेब समाचार। शुक्रिया।